नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि पितृ पक्ष के दौरान हमें किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पितृ पक्ष के दौरान वर्जित है। हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से लेकर अमावस्या तक पितृ पक्ष पड़ता है। इस दौरान पितरों का तर्पण एवं पिंडदान किया जाता है। पितृ पक्ष का समापन सर्व पितृ अमावस्या को होता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि पितृ पक्ष के दौरान पितरों का तर्पण एवं पिंडदान करने से 3 पीढ़ी के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं कि पितृ पक्ष के दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं जो भूलकर भी आपको नहीं करनी चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे अंडा, मांस, मछली, प्याज व लहसुन खाने की मनाही होती है। इन दिनों शराब का भी सेवन न करें। पितृ पक्ष के दौरान कुछ दाल खाने की भी मनाही होती है, जैसे चने की दाल, सत्तू, मसूर व उड़द की दाल, और इनसे बनी चीजों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन पितृ पक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान कुछ सब्जियों के सेवन करने से बचें। इनमें खीरा, करेला, सरसों का साग, मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, विशेषकर जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों से बिल्कुल परहेज करें। इनको पितृ पक्ष के दौरान प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। साथ ही कई मसाले खाना भी पितृ पक्ष के दौरान वर्जित माना गया है। इन मसालों में जीरा, राई, सरसों के बीज, काले नमक का सेवन न करें। ध्यान रहे, पितृ पक्ष में केवल आपको शुद्ध शाकाहार व सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए और अधिक से अधिक फलों का सेवन करना चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान यह भी ध्यान रखें कि पका हुआ भोजन ही पितरों को अर्पित करें। पितरों एवं ब्राह्मणों के लिए जो भोजन बनाया गया है उसे अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए। इसमें आप खीर, पूरी, हलवा बना सकते हैं। इनका भोग देने से पितर सदा प्रसन्न रहते हैं और उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता है। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, पर पितरों के भोजन व ब्राह्मण भोजन में नींबू का प्रयोग न करें। पितृ पक्ष के दौरान कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं, इसलिए आपको इस दौरान दही, दूध, सफ़ेद खाद्य पदार्थ या सफ़ेद मिठाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए, खासकर जो बाहर की हो। इन सब चीज़ों को आप अपने घर के अंदर बना के खा सकते हैं। पितृ पक्ष के दौरान कढ़ी बनाना व उसे खाना वर्जित माना गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृ पक्ष के भोजन बनाते समय यह ध्यान रखें कि जो भोजन पितरों के लिए आप बनाते हैं उसमें तिल जरूर डालें। आप जो भोजन पितरों के लिए बनाते हैं या ब्राह्मणों के लिए तैयार करते हैं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन देते हैं उसमें थोड़े से काले तिल जरूर मिलाएं। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं उन्हें पितर ग्रहण करते हैं और बिना काले तिल वाले भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कौन कौन से व्यंजन हैं जिन्हें पितर खुश होकर ग्रहण करते हैं? अगर आप ज्यादा व्यंजन न बना पाए तो दूध और चीनी से बनी खीर अवश्य बनाए, ये पितरों को अति प्रिय है। पितर इनके भोग से खुश होते हैं और खुशी खुशी आपके द्वार से लौटते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को अति प्रिय है। कद्दू एक सात्विक भोजन है जो अक्सर पितृ प्रसाद के रूप में भी दिया जाता है। जब आप श्राद्ध का भोजन बनाए तो कद्दू की सब्जी अवश्य बनाए और अपने पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें अर्पण करें। शुद्ध घी की रोटी श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको जरूर बनानी चाहिए और अपने पितरों को याद करते हुए कोए, गाय, कुत्ते को रोटी खिलाएं। इनमें से जिस रूप में भी पितृ धरती पर उपस्थित होंगे उनको ग्रहण करने से वे आपको आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, पितृ का भोजन बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिस तरह आप भगवान के भोग को बनाते हैं आपको भोजन चखना नहीं चाहिए। भूलकर भी भोजन को न चाखें। जब आप पितरों का भोजन तैयार कर रहे हैं तो पहले घर की सफाई और विशेषकर रसोई घर की सफाई अच्छे से करें और फिर स्नान करके ही पितरों का भोजन बनाएं। दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर आपको पितृ पक्ष के दौरान अमल जरूर करना चाहिए, जिससे पितर आपसे नाराज न हो और आपके घर से खुशी खुशी वापस लौटे। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।